गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग। आज हम मॉडल सेट का तैयारी करवा रहे हैं। आज कुछ अजीब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 306 और 567 का मोस निकाले। इस पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा और इस टाइप से मैं भी 10 क्वेश्चन कर पाऊँगा और आपका 1 क्वेश्चन तो अवश्य ही फंसेगा। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहो और आप लोग देखो। ओके फ्रेंड, मैंने क्वेश्चन ले लिया यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 367 का। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोस निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो हम लोग कर रहे हैं 306 का, आप लोग रथ में कहीं पे ले लो, एलसीएम ले लो। ओके फ्रेंड, तो यहाँ क्या है, देखो लास्ट में जब 6 है तो हम क्या, हम 2 से लगा सकते। ओके फ्रेंड, तो मैंने यहाँ 2 से लगाया, तो 2 से लगाया तो आप दे दो 15 और आप दे दोगे 3। उसके बाद फ्रेंड आप देखो, अब हम 3 से लगाते हैं तो 3 से भाग देने का नियम क्या होता है कि अंक को जोड़ते हैं, 5 3 8 1 9, हम 3 से लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो 5 3 50, देखो कितना हो गया 51। अब फिर मेरा क्या हो रहा फ्रेंड, फिर 3 से मेरा लग रहा है। आप लोग देखो, मैंने निकाल लिया यानी 306 का गुणनखंड, तो मेरा क्या आ गया 2 3 3 3 70 आ गया। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब मेरा सेकेंड पॉइंट क्या हो कर रहा है, चूँकि अब हम क्या निकालेंगे, 567 का निकालेंगे। ओके फ्रेंड, 567 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। ओके फ्रेंड, गुणनखंड, अब देखो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, तो आप इसे भी रफ में कर सकते हो। ओके, तो हम रफ में करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड, मैंने निकाल लिया 667 का, तो हम 3 से लगा दिए और फिर आया तो हम 3 से लगा दिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड मेरा 3 3 और 73 आ गया। तो यहाँ देखो इसमें क्या है, ये 2 3 मिल रहा है और ये 2 3 मिल रहा है। तो एस सी एफ में क्या होता है, चूँकि मेरा जो मिलता है ना, हम उसी को एस सी एफ में लेते हैं। तो 306 और क्या बोलते हैं 667, 657 में कौन ऐसा संख्या है जो आपस में मिल रहा था, 2 3 यहाँ ले रहे हैं, 2 3 यहाँ ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है फ्रेंड, 3 पे हम स्क्वायर डाल देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 मेरा मिल रहा है। ओके फ्रेंड, तो इसका एच सी एफ मेरा 9 हो गया, तो एच सी एफ बराबर मेरा, एच सी एफ बराबर 9 हो गया का एच सी एफ। ओके फ्रेंड, एच सी एफ मेरा निकल गया 206 और 567 का एच सी एफ बराबर 9 निकल गया। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, आप हमें कमेंट करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का 2020 एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।